की क्वेरी है, उन पेशेंट को एपिडाइमल सिस्ट भी है और वेरिकोसील भी है, तो वो पूछना चाहते हैं कि ये क्या दोनों ठीक एक साथ होती है या इसका इलाज अलग अलग होता है। ये सारी उनकी अंदर की एक इच्छा थी जो पूछने की थी, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ समझ लो, एपिडाइमल सिस्ट जो होती है वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं देती है। अगर आपकी रिपोर्ट में अगर वहाँ पर हेट्रोजीनियस कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ है, तब तक घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिस्ट होती है अगर सिंपल सिस्ट है या सिर्फ एपिडाइमल सिस्ट मेंशन किया हुआ है या वहाँ पर कहीं उन्होंने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि फर्दर टेस्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तब तक कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एपिडाइमल सिस्ट आपको पेन नहीं देती, वो सिर्फ एक गांठ होती है आपके टेस्टिस के ऊपर, एक लेयर होती है एपिडर्माइडल लेयर, उस एपिडर्माइडल लेयर के ऊपर एक गांठ बनने को हम एपिडाइमल सिस्ट बोल देते हैं। अब एपिडाइमल सिस्ट के साथ साथ अगर वेरिकोसिल डेवलप है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस चीज़ की आती है, चाहे आप होम्योपैथ लो चाहे आप आयुर्वेद लो, दोनों का पर्पज़ सेम एक ही है कि उन्होंने आपके ब्लड के फ्लो को थोड़ा सा बेटर करने, जिससे जो भी रिफ्लक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी रिवर्सल फ्लो आ रहा है, जो भी वहाँ पर खून दोबारा घूम के टेस्टिस की तरफ आ रहा है, जो भी उस चीज़ को रोकने की कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे होम्योपैथ है आयुर्वेद है, दोनों का काम सिंपल यही है कि उस फ्लो को बेटर करना। अब जब उस फ्लो को बेटर करते हैं तो वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा किए करना बेसिकली फंडामेंटल होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करते हैं तो जो सिस्ट है वो थोड़ा सा साइज शायद गेन कर ले। वो इस वजह से कर ले क्योंकि वहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ है, अगर उसको पूरी अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, वो जो टिश्यू है जो ग्रोथ ले रहा है वो किस वजह से ले रहा है, वो लेने का रीज़न यही है कि उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई सही से मिल रही है। वो कौन देता है? वो ब्लड सप्लाई अच्छी करता है। इसलिए अगर जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एपिडाइमल सिस्ट जो बन रही है उसको सर्कुलेशन या जिसे मैं बोलूँ उसको न्यूट्रिशन, उसको खाने की चीज़ें सही मिल रही है, तो वो अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेती है। बट उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे चलते हैं जिनमें हम दोनों को ट्रीटमेंट को पैरेलली चलाते हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो, दोनों में ही एक ही कंडीशन से चलाते हैं कि आपका वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट भी साइड बाय साइड चलता रहे और साथ में एपिडाइमल सिस्ट का भी ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलता रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्ट का साइज़ भी नहीं बढ़ता और वेरिकोसिल भी आपका हीलिंग होने लग जाता है। तो सेम चीज़ है कि अगर आपको सिस्ट है और वेरिकोसील भी है तो दोनों को अगर हमें हटाना है तो आप अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, चाहे आप आयुर्वेद का हाथ पकड़ें चाहे आप होम्योपैथ का हाथ पकड़ें, आप दोनों का हाथ पकड़ के उस पे राह देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन के अंदर और भी कुछ डाउट्स हैं वेरिकोसील को लेकर या एपिडाइमल सिस्ट को लेकर कि एपिडाइमल सिस्ट क्या हो सकती है, क्यों हो सकती है, उसका इलाज है या नहीं है या सिर्फ एक सर्जरी है, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको तब भी कुछ डाउट रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कमेंट में अपने नंबर भी हमें ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी तरफ या आपके पास पहुँच सकें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।